अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मुंबई का स्ट्रीट फूड चाइनीज़ भेल। मेरे को तो बहुत पसंद है चाइनीज़ भेल, बहुत यम्मी एंड डिलीशियस होती है ये और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं चाइनीज़ भेल बनाना। हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है नूडल्स बॉइल होने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के पानी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें हम वेज हक्का नूडल्स यूज़ कर रहे हैं, आपके पास जो भी नूडल्स आप वो यूज़ कर सकते हैं। पानी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम नूडल्स को डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी ड्रॉप ऑयल की डाल देंगे ताकि बॉयल अच्छे से हो जाए, नूडल्स चिपके नहीं। एंड नूडल्स को हमने सिर्फ 80% बॉयल करना है। चाइनीज़ भेल के लिए नूडल्स बॉईल करने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। हमारे नूडल्स बॉईल हो चुके हैं, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप इसे एक नूडल्स चेक कर लेना खा के, थोड़ा कच्चापन रहेगा उसमें, वो फ्राई करते हुए उस टाइम परफेक्ट हो जाएगा। अब हम नूडल्स का पानी स्ट्रेन कर लेंगे और इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। इसे थोड़ा फैला के रखेंगे ताकि इसमें हीट ना बने, ये ओवर कुक ना हो। और हमें इसे फ्राई भी करना है, ऐसे फैला के रखने से इसका पानी भी सूख जाएगा। अब हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, पहले मिक्स नूडल्स डाल के देखेंगे, बबल्स आएंगे तो इसका मतलब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हम स्टार्टिंग में नूडल्स डालेंगे तो ये नूडल्स बैठ जाती है ऑयल में, और जब ये फ्राई हो जाती है तो ये हल्की हो जाती है, तो ये ऊपर ऑयल के आ जाती है इस तरह से। अब हम इसको दूसरी साइड से ही पलट देंगे इस तरह से। नूडल अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है, ये देखो। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ऐसे ही हम बाकी की नूडल्स जो बची हुई वो भी फ्राई कर लेंगे। और हाँ, नूडल्स को हमने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो नूडल्स कच्ची रह जाएगी। और नूडल्स को हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी और लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखो, इसमें कलर भी अच्छा आ चुका है और ये फ्राई भी अच्छे से हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको प्लेट में निकाल लेंगे। नूडल्स को ठंडा होने के बाद हम इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे हाथों से। बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं फ्राई करके, बिल्कुल नमकीन की तरह। अब हम इसमें डालेंगे कैबेज बारीक कटी हुई और अनियन बारीक कटी हुई और कैप्सिकम भी हम बारीक काट के डालेंगे ऐसे स्लाइस में। अब हम इसमें डालेंगे होममेड सेजवान सॉस है, ये मैंने पिछली वीडियो में इसकी रेसिपी डाली है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून में सेजवान सॉस डाल रही हूँ। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, सेजवान सॉस में भी नमक होता है इसलिए हम थोड़ा ही डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम विनेगर डालेंगे और 2 टेबल स्पून हम टमाटो सॉस डालेंगे और फिर हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखो कितनी डिलीशियस लग रही है ये देखने में भी। सेजवान सॉस मुझे थोड़ी कम लग रही है तो मैं 2 टेबल स्पून और डालूँगी, इसका फ्लेवर बहुत यम्मी आता है इसमें चाइनीज़ भेल। लो बस, हो गई हमारी चाइनीज़ भेल रेडी। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे और ऊपर से स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे। आप भी इसे एक बार ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। एंड फिर मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।